नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने जो कांग्रेस पर सबसे बड़ा आरोप लगाया था, वो आरोप था कि कांग्रेस की सरकार घोटालेबाजों की सरकार है। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार होते हुए, बीजेपी की सरकार होते हुए जो घोटाला, सबसे बड़ा घोटाला सामने आया है, वो घोटाला है लाशों का घोटाला। किस तरह से अब मौतों का घोटाला भी बीजेपी की सरकार में हो रहा है, जिसको सुन करके इंसानियत की रूह कांप जाएगी। ये लोग अब मौत में भी घोटाला करने लगे हैं। और ये कहां पर हुआ है? ये वहां पर हुआ है जहां पर बीजेपी की सांसद हैं, फायर ब्रांड चेहरा है बीजेपी की, प्रज्ञा ठाकुर। प्रज्ञा ठाकुर जिन्होंने कहा था कि मैंने श्राप दे दिया, इसीलिए हेमंत करकरे जो हमारे शहीद थे उनकी मौत हो गई। और वही प्रज्ञा ठाकुर के इलाके में बीजेपी ने मौत का घोटाला कर दिया। भोपाल के अंदर किस तरह से सरकार ने दावा किया कि केवल 4 लोगों की मौत हुई है, लेकिन एक फोटो जर्नलिस्ट जिसकी वजह से सच्चाई सामने आई, उनको सलाम कीजिए। उन्होंने अपने ड्रोन कैमरे के जरिए शमशान घाट की तस्वीरें ली। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आप देख रहे होंगे कि शमशान घाट के बाहर अब दीवार खड़ी करने लग गई है बीजेपी की सरकारें, लेकिन यहां पर संजीव गुप्ता एक यूरोपियन फोटो एजेंसी है, उसके लिए काम करते हैं, और उन्होंने ड्रोन कैमरे के जरिए फोटो ली और उसके जरिए वहां पर दिखाया कि एक साथ करीब करीब वहां पर 40 से 45 शव जल रहे थे। ये संजीव गुप्ता ने सबके सामने सच्चाई रख दी। ये दैनिक भास्कर ने खबर लिखी है, उसके बाद में उनका इंटरव्यू सुनाएंगे कि किस तरह से वो खुद बता रहे हैं कि मैंने ये खबर खुद से, मैंने ये कवर की, ये वीडियो मैंने खुद से बनाई, उसके बाद में सच्चाई दिया। ये हालात है मध्य प्रदेश के, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि मामा फॉर्म में है। कुछ एक चंद महीने पहले ही हमने आपको शिवराज सिंह चौहान का ये भाषण सुनाया था, आपको याद होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि मामा फॉर्म में है। लेकिन मामा कहां पर है, किस तरह के हालात ये हो रहे हैं, ये सब आपके सामने है। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे वह मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे गुजरात की बात हो, हालात बद से बदतर हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके तो कहने ही क्या, दिन में बंगाल में जाते हैं, बंगाल में रैली करते हैं, बंगाल में कहते हैं कि चारों तरफ जहां तक देख रहा हूं भीड़ ही भीड़ है, और शाम को आकर के कोरोना की मीटिंग लेते हैं, कहते हैं कि 2 गज की दूरी। इतना ज्यादा दोहरा रवैया किसी व्यक्ति का हो नहीं सकता, और वो भी तब वो व्यक्ति जब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा हो, उससे ज्यादा कुछ कहना उस कुर्सी की पद का, उस पद का अपमान करना होगा। लेकिन आप देखिए कि मध्य प्रदेश में कुछ अलग ही चल रहा है। एक खबर और देखिए आप, दैनिक भास्कर की एक खबर है, एमपी में जिंदा पेशेंट को 2 बार मृत बताया, एक जिंदा आदमी को 2 बार मुर्दा बता दिया। विदिशा मेडिकल कॉलेज ने कोरोना संदिग्ध का डेथ सर्टिफिकेट दे दिया, घर वाले शमशान में तैयारी करने लगे, फिर फोन आया कि आपका पेशेंट जिंदा है। यही हालात हो रहे हैं, किसी को पता नहीं चल रहा कि हमारा अपना जो कल तक हमारे साथ में था वो किस तरह से मरा, कब मरा, कैसे मरा। उसको एक पर्ची दे दी जाती है या एक लाश दे दी जाती है, और अनमुनन अब लाश के जो डेड बॉडी है, उस डेड बॉडी को खोला भी नहीं जा रहा है। जो किट पहना करके देते हैं उसी तरह से बस, या तो चेहरा दिखाते हैं तो दिखाते हैं, नहीं तो उसका नंबर दिखा देंगे कि नाम दिखा देंगे, ये आपका फलां व्यक्ति था, ये गुजर गया। लेकिन ये तस्वीर आप देख लीजिए, किस तरह के हालात बन गए हैं, इसको देख करके सोचिए। लेकिन बीजेपी, ये ट्वीट आप देख रहे हैं, जेपी नड्डा ने ये 28 जुलाई 2020 को कहा था, जिस वक्त में कोरोना को लेकर के सरकार को तैयारी करनी चाहिए थी, उस वक्त में जेपी नड्डा और बीजेपी की सरकार क्या तैयारी कर रही थी। जेपी नड्डा ने कहा था, श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में करीब 500 कार्यालय बनकर के तैयार हुए, अभी 400 और कार्यालय पर काम चल रहा है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले 2 वर्षों के अंदर सभी जिलों में हमारे कार्यालय बन जाएंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। श्री जेपी नड्डा, जेपी नड्डा ने अध्यक्ष बनते ही अपने भाषण में ये बात कही थी कि 500 कार्यालय बन गए हैं, आने वाले 2 साल में 400 कार्यालय और बनकर के तैयार हो जाएंगे। काश इन्होंने 400 की जगह केवल अगर 100 अस्पताल भी तैयार किए होते तो आज देश में मौत का यह मंजर नहीं होता। सरकार को इस तरह से झूठ नहीं बोलनी पड़ती कि इतनी लाशें नहीं, 4 लाश और वहां पर 45 लाशें ड्रोन कैमरे से शूट हो रही हैं। वीडियो में आप देख रहे होंगे किस तरह से ड्रोन कैमरे में दिखाई दे रहा है, अलग अलग लाशों को आप गिन सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद सन्नाटा है, घोर सन्नाटा है।
और क्या कहें, बेशर्मी की हद, बेशर्मी की बीजेपी नेताओं की हद देखिए कि फिर भी जाकर के बीजेपी के नेता वहां पर रैली करते हैं, इससे ज्यादा क्या कहा जाए। लेकिन आप देखिए और भी कई सारे राज्य हैं जहां पर इसी तरह से मौतों को लेकर के झूठ बोला जा रहा है। 8 राज्य और 10 शहर, यहां पर 854 मौतें हुई और सरकारों ने केवल 211 मौत बताई है और इनमें ज्यादातर बीजेपी के राज्य हैं। दोस्तों ये हालात हैं बीजेपी के। क्या अब भी आपको लगता है कि आपने जिनको सत्ता में बैठाया है वो सही है? आपको एक वीडियो और दिखाते हैं। अब मेरे बगल में ये देखिए, इसमें अमित शाह जी के, इसमें नरेंद्र मोदी जी के और इसमें राजनाथ सिंह के ट्वीट हैं। आप देखिए किस तरह से ये ऐसे समय पर, जिस समय पर इतनी भारी आपदा है देश में, लेकिन इस आपदा के समय पर किस तरह से उत्सव मनाया जा रहा है, शुभकामनाएं दी जा रही हैं। ये प्रधानमंत्री जी के, गृह मंत्री जी के और राजनाथ जी के ट्वीट आप देख लीजिए। कहीं पर कोरोना को लेकर के कोई जिक्र नहीं है, केवल बंगाल का जिक्र है कि बंगाल को कैसे जीतेंगे। क्या आपको लगता है कि ये लोग बंगाल को ऐसे जीतेंगे? और बंगाल की जनता इतनी मूर्ख है कि इनके इन कृत्यों को देख करके बंगाल की जनता इनको वोट दे देगी? बड़ा सवाल ये है। लेकिन शर्म आनी चाहिए वाकई ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में बैठे हर उस शख्स को जो ये कहते हैं कि उनकी सरकार ईमानदार है, जो अपनी सरकार के होते हुए ईमानदारी से ये भी ना बता पाए कि वो कितने लोगों को नहीं बचा पाए, वो कितने लोगों का इलाज करेंगे, उसमें कितनी सच्चाई बरतेंगे, वो सब तो आपके सामने है। बहरहाल जिस तरह से बीजेपी सरकार में मौतों का ये आंकड़ा सबके सामने आ गया है, उनका झूठ बेनकाब हो गया है, रंगे हाथ ये लोग पकड़े गए हैं, इसको लेकर के आपकी राय क्या है? आप क्या कहना चाहते हैं बीजेपी? मेरे पास शब्द नहीं है। मोदी सरकार के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर लिखें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।